अपने वाले सर्विस से आ चल के आ चल के एक बार देख देख पा के रुकर कनाटक रुकर पे देख एक बार देख पा के रुकर कनाटक फिर से देख। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। हम ठाकुर कॉलेज की छात्रा प्रस्तुत कर रहे बच्चे नाटक जिसका शीर्षक है मीडिया। इसका शीर्षक है मीडिया। इसका शीर्षक है मीडिया। मीडिया मीडिया के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? आइए हम आपको अपने नाटक के बारे में बताते हैं कि मीडिया की सच्चाई क्या है, वो कैसे करती है हमें गुमराह। मैं जानना बाबा और आप देख रहे हैं कटक टीवी से लाइव। आज हम खड़े ऐसे शख्सियत के घर के सामने जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है, सीईओ चिपकाट कंपनी के मिस्टर टोपी वाला। उन पे आरोप है उन्होंने 200 करोड़ का घोटाला किया है। आइए जानते हैं उनसे कुछ सवाल। कैमरा घुमाओ। आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे जी, पूछिए। क्या ये बात सच है कि आपने अपने कंपनी में घोटाला किया है? नो कमेंट प्लीज। और एक सवाल, आपके कंपनी में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, क्या ये बात सच है? नो कमेंट प्लीज। और एक सवाल, यहाँ पे मिस्टर सूरज का क्या रोल है? बंद कर कैमरा, बंद कर। अगर ये न्यूज बाहर निकली ना सारा चैनल पर बात कर दूंगा, जाके देख रिकॉर्ड में। इंसान है क्या भगवान? सिक्योरिटी बाहर निकालो। चल और एक रिपोर्ट बनाते यार। चल मैं चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कल तक टीवी से लाइव। आज हम देख रहे हैं कि मिस्टर टोपी वाला पे लगाए हुए सारे इल्जाम गलत है, सब बेबुनियाद है। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए कल तक। तो देखा आप सबने कि ये मीडिया ने कैसे अपनी न्यूज पलट दी। मिस्टर टोपी वाला के एक धमकी से उसने अपनी पूरी न्यूज ही बदल दी। मीडिया वाले होते ही बिकावे, इनको जहाँ न्यूज मिलेगी ये वही न्यूज खड़ा कर सकते, ये वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या दिखना चाहते हैं? सच्चाई। चैन से सोना है तो जाग जाए। आप देख रहे हैं हलचल खबरें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत के बारे में जिसकी शादी से हुई भारत की बर्बादी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में। क्या शहनाई के गीत से मिलेगी जीत? तो जाइए आइए हम जानते हैं हमारे दर्शकों से कि उनका क्या कहना है। कल भारत फिर मैच हार गया, आइए जानते हैं क्या कहेंगे जी। भारत कल मैच फिर हार गया, क्या कहेंगे आप? तू थूक मत पहले, मेरी बात सुन। विराट बहुत ही बकवास खेल रहा है। पिछले दो मैच में उसने सिर्फ 2-3 रन बनाए हैं। ऊपर से उसको कैप्टनसी का प्रेशर भी नहीं झेल रहा है। तो ना भी पूछने मत बोलिए आप, क्योंकि विराट मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेयर है। दो तीन मैच हारने से कोई बुरा प्लेयर नहीं बन जाता, और गेम में तो ऊपर नीचे तो थोड़ा हो ही जाता है। कुछ भी हो, मेरे लिए तो विराट ही सबसे बेस्ट प्लेयर है। विराट से अच्छा तो तारक मेहता का टप्पू खेलता है, 2-5 रन मार के आउट तो नहीं होता। और वैसे भी अनुष्का के साथ शादी करने से भाई सातवें आसमान पे। देखो जी, अनुष्का के साथ शादी करने की वजह से इनका तो चलता ही रहेगा। देखा आपने, ये है भारत की जनता की राय। क्या सच में अनुष्का शर्मा विराट कोहली के लिए पनौती है? क्या सच में विराट कोहली को अनुष्का शर्मा को तलाक दे देना चाहिए? अब जानने की बात ये है, क्या विराट कोहली अनुष्का को देंगे तलाक? क्या अनुष्का शर्मा का हाल होगा तलाक के बाद कुछ इस तरह से? तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नई सनसनी खबर के साथ। धन्यवाद। तो देखा आप सबने मीडिया ने कैसे विराट की पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल के साथ मिक्स कर दिया, उसकी एक हार ने अनुष्का को मनोनी बना दिया। ऐसे ही मीडिया मनोनी जैसे अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, क्या हम ये चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। चलो यहाँ पे खत्म होती है मीडिया की बात, आइए देखिए एक और विषय। Thank you.
शाकाहारी। और अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, और वो इंसानियत अपनी इंसानियत भूल गया। क्या देखा आप सबने? अब आप मेरी सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जरा गौर से सुनिएगा। हमारा भारत देश कई टुकड़ों में बट चुका है, जहाँ पे हम कई धर्मों का पालन करते हैं। कई धर्म, ये धर्म बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन हमें एक धर्म सबसे ऊपर मानना चाहिए, जो कि है इंसानियत का। अरे मैं कहता हूँ कि इंसानियत कम हो गई है इस दुनिया में, कि हम सब ऐसा करने लगे हैं। लेकिन क्या आपने देखा इन बहनों ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहनों ने क्या किया? उन्होंने एक पत्थर को रखा और एक पत्थर से उनके दिल का एक महत्वपूर्ण आकार दिया उन्हें। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम हमारे दिल को नहीं बदल सकते? अरे धर्म ही इंसानियत है, इंसानियत ही धर्म है। कब तक हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे घमंड करते रहेंगे? मैं कहता हूँ हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ हमें मिलना चाहिए, हमें गिरना नहीं, हमें उठना है, हमें संभलना है और हमें आगे बढ़ना है। मैं कहता हूँ कि आइए हम सब कहते हैं एक बार घर से कि हम हिंदुस्तानी है, कि हम हिंदुस्तानी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।